things. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. तो गाइस श्रीनगर में हम पहुंच चुके हैं और होटल में हमने हमारा सामान वगैरह रख दिया. अब निकल रहे हैं श्रीनगर घूमने. तो गाइस ये सामने देख रहे हो कितने सारे हाउस बोट बन रखे हैं यार. काफ़ी 2000 से लेके 4000-5000 तक का इनका टैरिफ होता है. अभी हमने पूछा तो हमें 4000 बताया था. ये शिकारा राइड. तो गाइस सबसे पहले मैं जा रहा हूँ शंकराचार्य टेम्पल, वो देखूँगा. उसके बाद में जो भी गार्डन है, एक ही रूट में सारे गार्डन है, तो वो देखते देखते चलेंगे. और शाम को 6 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं होगा, जब तक घूमेंगे. दोस्तों वैसे तो आप श्रीनगर आराम से 2 दिन के अंदर घूम सकते हो, लेकिन हम अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से हर चीज़ को समझ सकें. आज हम जा रहे हैं शंकराचार्य मंदिर पर, जो कि डल लेक से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है. और आने के काफ़ी सारे साधन हैं. आप चाहें तो ऑटो कर सकते हैं, 300 से 400 रुपये लेते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो में और डिटेल्स में बताऊंगा. तो चलिए आपको दिखाते हैं शंकराचार्य मंदिर. तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं शंकराचार्य मंदिर. और इस मंदिर का जो निर्माण है वो 371 ईस्वी में गोपादित्य राजा ने करवाया था. और ये काफ़ी बड़ी हिल पे बना हुआ है, तो पैदल आने की कोशिश मत कीजिएगा. डल लेक से ऑटो मिल जाएगा, 300 से 400 रुपये लेगा, इजीली आप आ सकते हो. हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव. तो आपको काफ़ी सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा. काफ़ी फेमस टेंपल है. तो हमारे जो श्रीनगर टूर की शुरुआत है, हम शंकराचार्य मंदिर से कर रहे हैं. 150 से 200 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर आनी पड़ती है. और यार यहाँ से जो श्रीनगर का जो सिटी व्यू आ रहा है, काफ़ी शानदार आ रहा है. हाउस बोट इतनी सारी है, भरमार है. तो देखो एक बार दिखाता हूँ मैं आपको. तो ये देखो यार श्रीनगर सिटी व्यू कितना प्यारा लग रहा है. डल लेक जो सामने देख रहे हो ना, ये डल लेक के पास में ये हाउस बोट बन रखे बहुत सारे. तो यार देखो 2000 से लेके आपको जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा. तो एक बार आप सर्च करना पड़ेगा. और शंकराचार्य मंदिर आने के लिए पैदल मत आना यार. डल झील से आप ऑटो कर लेना, 300-400 रुपये लेता है और आपको छोड़ देगा. 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं ऑटो के अंदर. तो ये रहा सामने मंदिर. और हमें हमारे राजस्थानी भाई मिले हैं, देवीलाल जी सोनी. और आप? नाम मिला था सोनी. तो थोड़ा मैं रुका था यहाँ पे, रेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार में पूरी सीढ़ियाँ चढ़ गया. मंदिर जाके आपको दिखाता हूँ मंदिर. तो चलो चले. ओम नमः शिवाय. वो पहले तो एक मंदिर, काफी पुराना मंदिर है. तो हाँ जी दोस्तों, आपने मंदिर देख लिया शंकराचार्य जी का. भगवान शिव को ये समर्पित मंदिर है. भगवान शिव की शिवलिंग की भी यहाँ पे पूजा होती है. तो मैं अब आपको शंकराचार्य जी का तपस्या स्थल बताता हूँ, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी. जैसे आप मंदिर देखोगे, आप नीचे उतरोगे तो वहीं तपस्या स्थल है, जो कि अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको. ये है जगत गुरु शंकराचार्य तपस्या स्थल. तो ये है शंकराचार्य जी की तपस्या भूमि.